आप सभी को धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश, धनवंतरि और भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ धनतेरस के बारे में। धनतेरस जो कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है और इसी दिन से प्रारंभ हो जाता है दीपावली के पंच पर्व का। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था और देवताओं के वैद्य धन्वंतरि अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे और इसलिए अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो इस कामना से भगवान धन्वंतरि की पूजा धनतेरस पर की जाती है। इसके साथ ही देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देवता की पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा तो की ही जाती है। तो विशेष रूप से आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन चार देवता जिनकी आराधना हमें जरूर करनी चाहिए, भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, धन्वंतरि देवता और कुबेर देवता। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरि की पूजा किस प्रकार से धनतेरस के दिन हमें करनी चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी, यम का दीप आप किस प्रकार से प्रज्वलित करेंगे, कहाँ प्रज्वलित करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और धनतेरस कब मनाएंगे। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 30 अक्टूबर को दोपहर में 1:15 पर। धनतेरस का पर्व प्रदोष व्यापनी तिथि में मनाया जाता है। इसके अनुसार 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन धनतेरस मनाया जाएगा। इसी दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन पूजा के लिए आपको केवल 1:41 का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:31 से रात्रि 8:13 तक। इसके अलावा प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:38 से रात्रि 8:13 तक। वृषभ काल में माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है तो माता लक्ष्मी की वृषभकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6:13 से रात्रि 8:27 तक। अब बात करें सोना खरीदने का या फिर कोई भी महंगी धातु खरीदना चाहते हैं, कोई भी खरीदारी करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 से अगले दिन यानी कि 30 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक। तो खरीदारी के लिए आपको 20 घंटे तक का शुभ समय प्राप्त हो रहा है। इस समय में आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बार धनतेरस पर इतना शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है त्रिपुष्कर योग का। शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका 3 गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। और ये शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से सुबह 10:31 तक। शाम के समय हमें प्रदोष काल में पूजा करनी है धन्वंतरि देवता, भगवान गणेश, कुबेर और लक्ष्मी माता। तो बिल्कुल साधारण सी, बिल्कुल नॉर्मल पूजा जैसे आप प्रतिदिन करते हैं उसी प्रकार से आज के दिन भी धनतेरस की पूजा की जाती है। शाम के समय प्रदोष काल से पहले आप स्नान कर लीजिए या फिर हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं या फिर जहां पर माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश विराजित है मतलब आपके घर के मंदिर में, वहीं पर आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुद्ध घी का एक दीपक जला लीजिए। ये कर्म साक्षी दीपक है, आपको अपना कोई भी पूजा पाठ करने से पहले जरूर जला लेना चाहिए। और एक कलश की स्थापना जरूर कर लीजिए, क्योंकि धन्वंतरि देवता जब प्रकट हुए थे तो कलश लेकर ही प्रकट हुए थे, अमृत कलश। और धनतेरस के दिन धन्वंतरि देवता की ही विशेष रूप से पूजा की जाती है, क्योंकि देखिए दीपावली माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन धन के लिए हम पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन धन्वंतरि देवता की पूजा इसलिए की जाती है कि हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम माँ लक्ष्मी के दिए हुए वरदान को भोग सकेंगे। मतलब धन का भोग आप कब कर सकते हैं, जब आप स्वस्थ होंगे। और धन्वंतरि देवता की पूजा हम इसीलिए करते हैं कि हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो। इसी के साथ ही जब धनतेरस होती है तो धनतेरस के दिन हम यम के निमित्त दीप दान करते हैं ताकि हमें लंबी आयु की प्राप्ति हो, क्योंकि धन आए उसे भोगने के लिए उम्र होना अत्यंत आवश्यक है। आयु होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तभी तो आप धन का उपयोग कर पाएंगे।
कितना भी धन हो आपके पास और आपके पास अच्छा स्वास्थ्य ना हो, आप निरोग ना रहें, स्वस्थ ना हो, या अगर आपके पास लंबी आयु ना हो, तो उस धन का उपयोग फिर कौन करेगा। और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया। तो पहला सुख क्या है? आपका अच्छा स्वास्थ्य। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए दीपावली से पहले हम धनतेरस पर धनवंतरी देवता की पूजा करते हैं, यम के निमित्त दीप दान करते हैं। तो विशेष पूजा आज किसकी करनी है हमें? धनवंतरी देवता की। तो इसके लिए कलश की स्थापना कर लीजिए। और कलश की स्थापना आप जानते हैं आपको कैसे करना है। एक पात्र लेना है आपको, थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए, फिर जल से इसे भर दीजिए। सिक्का सुपारी अक्षत पुष्प डालकर कलश के ऊपर पंच पल्लव रख दीजिए, आम के या फिर अशोक के पत्ते। उसके ऊपर एक पात्र में अनाज भरकर रख दीजिए और उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। तो ये हो गई आपकी कलश की स्थापना। अच्छा, अगर आप दीप कलश बना रहे हैं तो अलग से आपको कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित करने की फिर आवश्यकता नहीं है। कलश के ऊपर ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है, अलग से आपको दीपक नहीं जलाना। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले भगवान गणपति का आपको पूजन करना है, क्योंकि भगवान गणेश की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। तो आपके घर में जो लक्ष्मी गणेश है उन्हीं की पूजा आपको करना है, मतलब जो नए गणपति और लक्ष्मी आज आप लेकर आएंगे धनतेरस पर, उनकी पूजा हम दीपावली पर करते हैं। आज पुराने वाले गणपति और लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है। तो अगर आप चौकी भी स्थापित करते हैं तो पुराने गणपति और लक्ष्मी को ही वहां पर स्थापित करके उनकी पूजा आपको करना है। तो सबसे पहले जल के छींटे दीजिए स्नान का भाव करते हुए, फिर वस्त्र अर्पित कीजिए, फिर धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करके पंचोपचार विधि से भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए, भोग लगा दीजिए। और फिर इसी प्रकार से आपको माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी है, स्नान का भाव कर लीजिए, फिर धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करके विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए। इसके बाद धनवंतरी देवता और कुबेर देवता की पूजा होगी। तो अगर आपके पास फोटो है, मूर्ति है कुबेर देवता की या फिर धनवंतरी की, तो आप उस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पान के पत्ते पर थोड़ा चावल रख दीजिए और सुपारी में कलावा लपेटकर कुबेर देवता और धनवंतरी बना लीजिए, मतलब दो सुपारी में कलावा लपेटकर और धनवंतरी देवता और कुबेर मानकर जल के छींटे देकर स्नान का भाव कर लीजिए, फिर कलावा तोड़कर अर्पित कर दीजिए वस्त्र स्वरूप में। उसके बाद अक्षत पुष्प धूप दीप अर्पित करके विधि विधान से धनवंतरी देवता और कुबेर की भी पूजा कर लीजिए। और इसके बाद जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है, फल या मिठाइयाँ, उनका भोग आप लगा सकते हैं। यहीं पर आपको एक और कार्य करना है, जो भी सामग्री आप आज खरीद कर लाते हैं, जैसे कि आप धनिया खरीद कर लाते हैं या फिर मिठाई खरीद कर लाते हैं, कोई बर्तन खरीद कर लाते हैं, आभूषण खरीद कर लाते हैं, तो जो भी चीज़ें आप खरीद कर लाएंगे वो सारी चीज़ें वहीं चौकी के पास रखी जाती हैं, या फिर जैसे घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो घर के मंदिर के पास रखी जाती हैं। और जो आप धनिया लेकर आए हैं वो धनिया सभी देवी देवता जो कि चौकी पर विराजित है, जैसे कि भगवान गणेश, कुबेर देवता, माँ लक्ष्मी और धनवंतरी भगवान, सबको अर्पित कीजिए, दो दो चार चार दाने, जैसे कि हम अक्षत अर्पित करते हैं उसी प्रकार से। और अगर आप बर्तन या आभूषण खरीद कर लाते हैं तो वो सभी चीज़ें चौकी पर अर्पित कीजिए, माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित कीजिए। पूजा देखिए इन सभी चीज़ों की हम दीपावली पर करते हैं, पर ये सारी चीज़ें माँ लक्ष्मी के पास ही रखी जाती हैं। और हाँ, इन चीज़ों का प्रयोग दीपावली के बाद ही किया जाता है, चाहे आप बर्तन खरीदते हैं या फिर कोई गहने खरीदते हैं, कोई भी चीज़, तो इनका प्रयोग हम दीपावली के बाद करते हैं, तब तक ये पूजा स्थल पर ही रखी रहती है। अच्छा, एक और चीज़ आपको करना है, जैसे कि आज हम धन्वंतरी देवता की पूजा करेंगे, तो धन्वंतरी देवता आरोग्य के देवता हैं, अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं हम उनसे। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत समय से बीमार है और ठीक नहीं हो रहा है, तो आयुर्वेदिक दवाई आज के दिन आपको धन्वंतरी भगवान को अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना कीजिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए। तो जल्दी ही आपको उस दवाई को ग्रहण करने से भगवान धन्वंतरी की कृपा से अपने स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से आपको कुबेर देवता से प्रार्थना करना है, भगवान कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, तो अच्छे धन की प्राप्ति के लिए, मतलब आपके घर में हमेशा अन्न और धन का भंडार भरा रहे, इसके लिए कुबेर देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा पूर्ण करके उनकी आरती कर लीजिए, और पूजा करते समय मौन रहकर पूजा नहीं की जाती है तो मंत्र जप जरूर करते रहिए। भगवान धन्वंतरी के मंत्र का आप जप कर सकते हैं, ओम धन्वंतराय नमः, ओम कुबेराय नमः, कुबेर देवता का मंत्र है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम माँ महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से किसी भी मंत्र के द्वारा आप पूजा कर सकते हैं। अच्छा, आज एक विशेष कार्य किया जाता है, यम के निमित्त दीप दान किया जाता है। तो यम के निमित्त दीप दान आपको कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, देखिए यम के निमित्त दीप दान जो किया जाता है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होता है, अलग अलग परंपरा होती है। जैसे कि कई स्थानों पर शाम को संध्या काल में, मतलब प्रदोष काल में दीप दान किया जाता है, और कई स्थानों में देर रात्रि में, जैसे कि जब शाम को खाना पीना हो जाता है, मतलब सब लोग खा पी कर सो जाते हैं, उस समय देर रात में यम के निमित्त दीप दान किया जाता है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से किया जाता है, मतलब जो नियम आपके यहाँ आपके परिवार में है, उसी प्रकार से आपको यम के निमित्त दीप दान करना चाहिए।
और दीपदान कैसे करना है, किस चीज़ की बाती लेनी है, किस चीज़ का तेल लेना है, ये सारी जानकारी आपको चैनल पर वीडियो अपलोड है उससे मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।